आप सब अलग अलग विभागों से यहाँ पे आए सभी मैं भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो यहाँ मान सम्मान प्यार मुझे दिया है, लेकिन इसके बारे में तो मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ कि मैंने कोई इनके ऊपर एहसान नहीं किया। ये बात ये मेरी ड्यूटी बनती थी, मेरे को भी मेरे हलके के सभी कर्मचारी ने, व्यापारी ने, सभी भाइयों ने वोट देकर मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजने का काम किया है। और ये जो मुद्दा है इसमें कोई विधानसभा क्षेत्र अछूता नहीं है कि वहाँ के व्यापारी, कर्मचारी, चाहे कोई पीटीआई टीचर हैं, सभी वर्ग इससे पीड़ित थे। तो मैंने तो अपनी ड्यूटी जो मेरे को मेरे क्षेत्र के लोगों ने, और वही जो है जो उनकी डिमांड है, जो उनकी परेशानी है, वो पूरे प्रदेश के हर 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के जो प्रदेश के जो कर्मचारी व्यापारी भाई हैं उन सब की है। तो वो अपनी ड्यूटी को समझते हुए मैंने इस मुद्दे को वहाँ पे उठाया है। विधानसभा सत्र था, विपक्ष भी बातें कर रहे हैं, सरकार दावे कर रही है, तो आपके नज़र में क्या कर रहा है बजट के में क्या किया? देखिए बजट मैंने तो विधानसभा में बोला है, मीडिया में भी बोला है, ये बजट अब की बार का जो बजट है वो 177 करोड़ रुपए का सरकार ने जो पेश किया, उसमें 106 करोड़ रुपए के जो रूटीन के जो लाइबिलिटीज हैं, जो सरकार की तनख्वाह से भी सारी चीज़ों जो बनती होती है, और जो 71 करोड़ रुपए का जो है ना वो डेवलपमेंट के लिए जो रोड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो जो बना। और पिछले 3 साल का एवरेज अगर आप देखें तो इस साल मिला के करीबन हर साल 10-10 हज़ार करोड़ का जो कर्जा है वो हर 10 साल का बढ़ता है। जब पिछले साल 60 करोड़ का था तो अब की बार 70 करोड़, अगली बार ऐसे एवरेज में पिछले लास्ट 3 ईयर का मैं जो तीसरा बजट है एज ए विधायक बनने के बाद में मेरा विधानसभा केंद्र, जो मैंने उस 3 साल के बजट को जो स्टडी किया है तो हर साल 10-10 हज़ार करोड़ रुपये का कर्जा जो है वो बढ़ने लग रहा है। तो आप सब जानते हैं आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो आज सड़कों पे ना हो, अपनी मांगों के लिए ना खड़ा हो। उसमें हर वर्ग लगा लो आप, ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये कितना बड़ा लोकतंत्र के अंदर एक हनन सभी विभाग के कर्मचारियों के साथ हो रहा है। भाई उसका अपना पैसा कर्मचारी का, और वो पैसा उसको दिख रहा है ना, उसको यूज कर सकता है ना टच कर सकता है, पाएगा है। बड़े बड़े उद्योग घरानों में इन्वेस्टमेंट के लिए जो ने ऐसा कानून बना दिया उस पैसे को पता जाए। सरकार कह रही है कि अभी जो नए उसके बहुत थोड़े हैं 35 के बाद में, तो ये 32-34 के बाद में जब इसके लेने का टाइम आएगा, जब भी अपने शेयर को इतना डाउन कर देंगे तो कर्मचारी तो मर जाएगा उसके। और आज जो उसको रिटायरमेंट के बाद में आज जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसको तनख्वाह जो मिलती थी वो बंद होगी एकदम से, उसका जो घर की लाइबिलिटी वो एज इट इज खड़ी है, उसको पैसे की इनकम बंद होगी। तो उसको जो मिल रहा है 1200-1500 हैरानी की बात है, 2000-2500 इतने रुपए, जो उससे ज़्यादा तो मात्र बुढ़ापा पेंशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। तो कितना बड़ा एक जो है ना, कहाँ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कहाँ हम लोकतंत्र की बात करते हैं, ये तो सरेआम गुंडागर्दी है। सरकार का जो मन आए जो है ना वो सरकार जो है ना अपना बिल बनाकर उसको जो है पारित करने का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कल मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा हो तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है मीडिया के सामने, भाई ये जो बजट है ना ये कर्ज का नहीं फर्ज का बजट है। मेरे यही समझ में, कौन सा फर्ज समझते हैं आज पूरे प्रदेश में हर एक विभाग, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वो अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धरने लड़ रहे हैं, और 1 लाख से ज़्यादा जो आउटसोर्सिंग के जो 10 से 5 से लेकर 15 साल तक जो कच्चे कर्मचारी जो लगे हुए हैं, जिसको डीसी रेट बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं, वो जो है आज 15-15 साल की नौकरी होने के बाद में आज वो जो सड़कों पे आ गए, आज वो एक नई योजना उसमें उसमें लाइन में खड़े कर दिए। हार्टोन के वो मेरे पास आए थे 5,000, जिन्होंने इस प्रदेश को मुख्यमंत्री को 2 बार हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री जी से ई गवर्नेंस के लिए जो है ना अवार्ड डीड करवाया। आज वो जो 15-15 साल से बैठे, जिन्होंने अपने सारे आईटी के सिस्टम से इस हाईटेक करने का काम, ई गवर्नेंस को करने का काम किया, आज वो उसमें लाइन में लगा दिए, बताओ कहाँ का आज उनकी सैलरी घटा दी। यानी जो एक फर्ज की बात करें तो वो फर्ज मुझे नहीं पता कौन सा फर्ज बनता है मुख्यमंत्री जी का जो इस टाइप की बातें कर रहे हैं। आज आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हमारे पीटीआई हैं, जो सब सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए बैठे,
30-33 हज़ार क्लरिकल स्टाफ है, जो पूरे सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, वो मात्र 18,900 रुपये की सैलरी में, उनके जो समान उनको जो है उनको वेतन जो मिलता है वो 35,400 मिलता है, जो उनकी उसके अनुसार उनको जो एक अलग ही उसमें उड़ जाके रखे, वो जो मात्र जो बेचारा इतना जिसके ऊपर लोड होता है काम को सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो आज 19,800 रुपये की सैलरी के अंदर काम कर रहा है, आगे उनको जो नई पेंशन उनको मिलनी, तो उनका गुजारा कैसे होगा। हालात प्रदेश के अंदर है, आज बेरोजगारी में नंबर वन की बात कर रहे हैं, नया उद्योग जो कोई आ नहीं रहा, 75% उसमें देने के। तो इस बजट के अंदर जो 3 साल का बजट मैंने देखा विधानसभा, ये बजट भाषण देने में बहुत अच्छा है, लेकिन एक भी वर्ग के लिए इसके अंदर कोई चीज़ मुझे आज तक लग, जो पिछली में घोषणाएं की थी कि हम जो है ना नए इंडस्ट्री एरिया खड़े करेंगे, फिल्म सिटी बनाएंगे, यहाँ हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें धराशायी, उसके अंदर आज तक कोई एक ईंट लगाने का काम नहीं कर रहे, कोई नए रोज़गार। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 38,000 से ज़्यादा पोस्टें जो रिटर्न में मुझे दी हैं एजुकेशन मंत्री के यहाँ से, जो मैंने सवाल पूछा था अनस्टार्ट क्वेश्चन, उसका जवाब आया, और जो उन्होंने कहते हैं इम्प्लीमेंट की प्रक्रिया चालू कर दी है, कितने की 7,000 की, यानी 38,000 के अगेंस्ट 7,000, उसमें कोई बजट में प्रोविजन नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर हेल्थ और स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है, जो है आदमी स्वास्थ्य नहीं होगा तो आगे वो करेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 10,000 से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी, जो कोई उसके अंदर बजट के अंदर, तो कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, किस फर्ज की बात कर रहे हैं, किस रोडवेजों में बस नहीं है उसकी अपनी, हर डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस जो आज जो सड़कों पे ना बैठा हो, जिसमें जिसके अंदर हर कर्मचारी जो आज एक टेंशन के अंदर जी रहा है, पूरी सरकार ने टेंशन दे रखी, ये माहौल है। ये जी मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, विपक्षी बातें कैसे करूँ, वो तो जो है ना विपक्ष के लोग तो वो अपनी बात करेंगे, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब बुद्धिजीवी अनेकों डिपार्टमेंट में हैं, कि बलराज कुंडू को जो दायित्व मेरे हल्के के लोगों ने दिया था, मैंने अपना दायित्व और वो आवाज़ एक मेरे हल्के की नहीं पूरे प्रदेश की आवाज़ बनकर मैंने जो है ना विधानसभा में उसको उठाने का काम किया है, और जहाँ तक मेरे पास आज मैं मुझे इस बात का कई मामले में खुशी भी होती है, अगर मुझे कम से कम एक विश्वास मेरे ऊपर प्रदेश के लोगों का, मेरे भाइयों का, कर्मचारियों का, जो मेरे पास चल के आते हैं, हर कर्मचारी जो ऐसा नहीं जिसके लोगों ने मुझे संपर्क ना किया, और एक पे आपसे एक उम्मीद है, आप हमारी आवाज़ विधानसभा उठाएँ, और मैंने प्रयास किया है उन सब की आवाज़ को इस अंधी बहरी सरकार को विधानसभा के अंदर सुनाने का काम किया हो। आज का ही मुद्दा अगर आपने देखा हो, किसान कल्याण परिषद एक गठन करने जा रहे हैं, उसके अंदर हैरानी हुई मुझे देखकर, एक भी किसान उसके अंदर प्रतिनिधि उसके अंदर है, बात किसान की कर रहे हैं, कल्याण किसान के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें एक भी किसान को जो उसके अंदर मेंबर बनाने की बात नहीं कर रहे, सारे जो विभाग अध्यक्ष हैं, जो HODs हैं, करीबन 24 मेंबर उसके अंदर टोटल लिए हैं, CS चीफ सेक्रेटरी उसका मुखिया है, अध्यक्ष के लिए प्रोविजन किया गया, बाकी सारे हैं वाइस चांसलर हैं। मैं कहता हूँ जिसके लिए वो कल्याण बोर्ड आप परिषद गठित करने जा रहे हो, उस किसान का प्रतिनिधि होना कितना जरूरी, वही तो बताएगा, वो अधिकारी जिन्हें कभी खेत खलियान देखे ही नहीं, उसकी तकलीफ नहीं जानता, वो क्या कल्याण की बातें करेगा। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे हरियाणा प्रदेश के, जो बड़ी बड़ी पोस्टों से एग्रीकल्चर रिटायर हुए हैं, उनको लेके उसके अंदर एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट जॉब में रहेगा तो वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, और जो बड़ा एक वैज्ञानिक अगर वो रिटायर्ड हो चुका है, अगर उसको उसके अंदर डाले तो वो अच्छी चीज़ है, जो किसान के लिए उसके लिए क्या कल्याण उन चीज़ों, लेकिन सरकार के पास उस बात का कोई जवाब ही नहीं, सेवा के अंदर मुझे नज़र नहीं आता। आज भ्रष्टाचार के अंदर कितने हर एक विभाग के अंदर घोटाले हैं, जो हर वक्त हम पिछले जब भी हाउस होता उठाते आए, तो आपके सामने प्रदेश के लोग जान चुके हैं काज किस प्रकार, ये सिवाय जितने राजघराने बैठे हैं, ये पुराने रजवाड़े बैठे हैं, इस प्रदेश को लूटने के अलावा कोई मकसद नहीं इनका। पंजाब की तर्ज पर जिस प्रकार के पंजाब के लोगों ने मैंडेट दिया है, वहाँ के सभी धुरंधर राजघरानों को जिन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम, पंजाब को लूट को सब घर बैठाने के काम, एक आम जनता की, आम जनमानस की सरकार चुनकर, जब तक इस हरियाणा प्रदेश के लोग धरातल के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनकर नहीं भेजेंगे, तब तक इनका भला होने वाला नहीं है। जब तक इनको रास्ता, इनको अपने घरों का रास्ता, ये लुटे, ये लूट का दुकानें बंद नहीं होगी, तब तक किसी प्रकार आज गठबंधन के नाम पर एक खुली छूट इस प्रदेश को लूटने के लिए दे रखी है। आज कितना बड़ा खामियाजा इस प्रदेश को, प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है ना
दिया जा रहा है कि उनकी सरकार चलती रहे, उसके बदले गठबंधन के सहयोगी उनकी सरकार चलाने के लिए इस प्रदेश को किसी प्रकार के लूटे सरकार ने पूर्ण रूप से आंखें बंद कर रखी। ये कितनी कड़वी सच्चाई है।